दोस्तों नमस्कार। जीवन संघर्ष का नाम है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे महान वैज्ञानिक डार्विन ने कही थी। और संघर्ष में के दौरान दो चीज़ सामने निकल के आती हैं, या तो सफलता या असफलता। जो व्यक्ति सफल होते हैं वो श्रेय देते हैं अपनी मेहनत को कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हुआ, और जो व्यक्ति असफल हो जाते हैं तो वो श्रेय देते हैं अपने नसीब को, कहते हैं मेरे नसीब में ही लिखा था। आप इन बात को सोचिए, ये जीवन के पक्ष हैं, सफलता और असफलता। आप असफलता वाले पक्ष को मत देखिए, उसको एक तरफ रख दीजिए आप। और दो बातें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, उन पर ध्यान दें आप, कि जो डर गया वो मर गया और डर के आगे जीत है। और असफल होने के तो वैसे अनेक कारण हैं, मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हैं। मैं कुछ रीजन्स आपके साथ शेयर करूँगा कि व्यक्ति या कोई भी इंसान अपने जीवन में असफल क्यों होता है। असफलता का पहला कारण वो है आर्थिक समस्या। हमारे देश के ज़्यादातर नौजवानों के सामने असफलता का जो मेन कारण है वो है आर्थिक समस्या। लोगों के अंदर टैलेंट होता है, स्किल भी होती है, और वो कैपेबल भी होते हैं काम करने के लिए, पर उनके सामने आर्थिक समस्या आती है और वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। और सरकार ने अनेक प्रकार की योजना चला रखी हैं, मुद्रा योजना, एजुकेशन लोन, डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप, पर इनकी जानकारी आप लोगों को नहीं है। आप लोग इनकी जानकारी दीजिए, यदि आपको इनकी जानकारी हो जाएगी तो आप इनका लाभ ले सकते हैं, तो आप जीवन में असफल नहीं होंगे आप। दूसरी बात असफल होने की, उसका रीजन ये है, आप लोग संघर्ष से डरते हो। संघर्ष से डरना एक असफलता का मेन कारण है। हर कोई आराम की लाइफ चाहता है, जॉब चाहेगा तो वो भी आराम का जॉब, यानी कि डेस्क वाला जॉब, फिजिकली जॉब करना नहीं चाहते आप लोग। एक जंगल का राजा शेर होता है, वो भी अपने शिकार के लिए स्ट्रगल करता है। जब आप स्ट्रगल नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो निश्चित तौर पर आप असफल रहोगे। अगला रीजन, हमारे दिमाग के अंदर बचपन से जब हमारे अंदर विवेक होता है, हम जब जागरूक होते हैं, एक हमारे दिमाग के अंदर अनडिक्लेयर सफलता और असफलता का फियर अंदर आ जाता है। हम सोचते हैं हम पता नहीं सफल होंगे या असफल होंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अंधेरे कमरे में जाता है तो हम कहते हैं भूत यानी घोस्ट, वो बच्चा डर जाता है, तो बच्चे के अंदर वही फीलिंग्स पूरी होल लाइफ तक रहती है, ये भूत का डर, घोस्ट का डर। और 99% लोगों के अंदर वो भय नहीं निकल पाता। इसी प्रकार आपके दिमाग में यदि असफलता ने प्रवेश कर लिया तो आपके दिमाग से वो बाहर नहीं जा पाएगी। आप असफलता को अपने दिमाग में अंदर न जाने दें, हमेशा सफलता की तरफ देखें आप। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, यानी असंभव कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो ये सब बातें। अगला रीजन आपकी असफलता का वो है, आप अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हैं। संसार के अंदर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर असीम क्षमता है। मनुष्य पृथ्वी से कहाँ तक पहुँच गया है आप सभी जानते हो आप। और ये मानिए कि इसमें विश्वास कीजिए कि आई कैन डू इट। यदि आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, अपनी क्षमता पर विश्वास करें आप, तो आप असफल नहीं होंगे। असफलता का अगला पॉइंट, टारगेट का फिक्स ना होना। व्यक्ति अपने जीवन का टारगेट क्या है इसको फिक्स नहीं करते। हर एक व्यक्ति को, स्पेशली स्टूडेंट को, 9th क्लास में आने के बाद अपना टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि उसे आखिर करना चाहे करना क्या है। जब एक बार अपना टारगेट फिक्स कर लोगे, उस टारगेट को फिक्स करने के बाद अपना सारा प्रयास, अपनी सारी कैपेबिलिटी, अपनी सारी क्षमताएँ उसी की तरफ लगाइए आप। जंगल में हिरण जो होता है उसकी तरह चार तरफ मत भागिए बगैर बात के, उसको कोई फायदा नहीं है। आप एक डायरेक्शन पकड़िए, एक टारगेट फिक्स कीजिए आप कभी भी असफल नहीं होगे आप। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है वाला असफलता का, हम लोग सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। किस चक्कर में? ये दिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हम अपने आप में एक यूनिक हैं। इस चक्कर में हम ले लेते हैं सारी जिम्मेदारी, नहीं ये काम मैं कर दूंगा, ये काम मैं कर दूंगा। इस चक्कर में जब ज़्यादा काम हो जाता है तो उसमें कुछ भी काम नहीं हो पाते, तो ये असफलता का एक मेन कारण है। जिम्मेदारी इतनी ही लें जितनी आपकी बस की हो। असफलता का अगला पॉइंट वह है, पैसे के लालच में दूर की न सोचना। कुछ लोगों के पास पैसा होता है फिर भी वो दूर की नहीं सोचते हैं, और जो लोग दूर की नहीं सोचते, दूरदर्शी नहीं होते, वो भी असफल हो जाते हैं। पैसे वाले पैसे को बचा कर रखते हैं बैंक में, ये दिखाने के लिए मेरा बैंक बैलेंस इतना हो गया है, पासबुक में एंट्री कराते हैं बस अपने पैसे में। और जो लोग पैसे का टाइम इस्तेमाल नहीं करते वो लोग असफल हो जाते हैं। आप पैसे का इस्तेमाल टाइमली कीजिए, बैंक में रखने का कोई फायदा नहीं है, वरना आप असफल हो जाओगे आप, वो पैसा आपके किसी काम का नहीं रहेगा। अगला पॉइंट,
ट्रेनिंग की कमी। हमारे यहाँ जो स्किल्ड जो पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, वो मात्र दुनिया में एवरेज देखा जाए सबसे कम है। हिंदुस्तान में मात्र 4% लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड हैं अपने अपने एरिया में, चाहे वो इंजीनियर का हो चाहे डॉक्टर का एरिया हो। और जबकि जापान में 96% ट्रेंड हैं, साउथ कोरिया में 76% है। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। जब तक आप ट्रेंड नहीं हो गए किसी भी एरिया में, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, तो तब आपका असफल होना पक्का तय है। असफलता का मेन रीज़न वो है हमारी ईगो प्रॉब्लम, ये हमें सबसे ज़्यादा असफल करती है। और जब कोई भी स्टूडेंट बीए, बीटेक, एमबीबीएस की डिग्री ले लेता है तो वो छोटा काम करने में शर्माता है, उसे एक लगता है कि मेरी ईगो हर्ट होगी। हर एक व्यक्ति ने शुरुआत छोटे से की है, अम्बानी, सचिन जो भी हो, इन्होंने शुरुआत जीरो से की है। आप मैथ में देखिए, आप मैथ में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 आते हैं। तो जब तक आप स्टेप सीढ़ी पर पहला स्टेप पर पहला पैर नहीं रखोगे, तब तक आप ऊपर कैसे जाओगे आप? तो सफलता पर ऊपर जाने के लिए आप ईगो प्रॉब्लम हटा दें, आप शुरुआत जीरो से करें, तभी आप हीरो बनोगे आप। अगला पॉइंट जो असफलता का है वो है हमारा या आपका किसी व्यक्ति का टाल मटोल रवैया। हम सोचते हैं कोई हमें काम दिया जाता है, चलो भाई कल कर लेंगे, क्यों कल क्यों भाई, आज क्यों, आज करो ना उस काम को। ये जो रवैया है हमारा डर का हुआ रवैया, उससे हम असफल होते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय के हिसाब से चलता है, समय उनका सम्मान करता है, और जो समय का सम्मान नहीं करते तो समय अपना समय आने पर उनको ठोकर मार देता है और उनको असफल कर देता है। इसलिए अपने रवैये को सख्त रखें, एक नियम में रखें। मैंने असफलता के बारे में जो विचार रखे हैं वो आपको किस प्रकार लगे कॉमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। वैसे आपके पास भी ढेर सारे विचार होंगे। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें, और मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें आपको विचार जो दिए हैं उसे अपने फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो असफलता का मोह न देखें, सफलता को चूमें, ऊपर ऊंचाइयों पर जाएं, हीरो बनें। जय हिंद।